Good morning, everyone. I am teaching the chapter Developmental Experiences of India, a Comparison with Neighbors, in which we have studied the development path of China and Pakistan, as well as we have studied the comparison between India, China and Pakistan on various indicators. Today, I am going to explain you sectoral comparison between all the three countries, sectoral and GDP growth comparisons between these three countries. So let's start with it. So here, sectoral indicators. अब sectoral indicator क्या बताते हैं? Here we know that three sectors are there: agriculture sector, which is also called primary sector, industry sector, and service sector, right? And if we look at this table, we can easily recognize that sectoral share of employment and GDP in 2015-17. ये data जो है 2015-17 का, कितना percent share GDP के अंदर था और कितना percent share employment का है, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं distribution of workforce. We can say that distribution of workforce, कितना percent हमारी labor जो है इन कामों में लगी हुई है, right? तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, दैट मीन्स एग्रीकल्चर, राइट? तो इंडिया के अंदर जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर करता था? 17%. वही सेकेंडरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन होता था? सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता था हमारी जीडीपी में? 30%. और टर्शरी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता था, 53%. बट वेन वी कंपेयर इट विद द वर्क फोर्स जो हमारी एंगेज है, सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स हमारी एग्रीकल्चर में लगी हुई है. अगर हम वर्कफोर्स की देखें, 42.7% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में लगी हो, बट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है? सिर्फ 17%. सबसे ज़्यादा टर्शरी से हो रहा है, बट हमारी वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में लगी हुई है. 23.8% वर्कफोर्स हमारी सेकेंडरी में लगी हुई है, विच इज़ गिविंग दी 30% कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर इन दी जीडीपी. एंड 33.5% वर्कफोर्स इज इन टर्शरी सेक्टर, विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मैक्सिमम इन द जीडीपी, दैट इज 53%. Now same we can compare with China and Pakistan. 17.5% people are working in agriculture area, contributing 9% share in GDP. 26.5% people are working in secondary sector, those who are contributing 43%. And 56% people are contributing, 53% population is working in tertiary sector but contributing 48%. So when we compare it with the population, हम सबसे ज़्यादा तो चाइना के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकेंडरी में जा रहा है, क्योंकि सेकेंडरी और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, 43 का और 48 का. अगर सिर्फ इस कंट्रीब्यूशन को देखें तो टर्शरी का ज़्यादा है, बट व्हेन वी कंपेयर इट अलोंग विद द पॉपुलेशन तो हमें समझ में आता है ओनली 26.5% पीपल जो है वो 43 का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. दैट मीन्स चाइना में सबसे बढ़िया कौन सा चल रहा है? सेकेंडरी सेक्टर. लेकिन पॉपुलेशन जो ज़्यादा है वो टर्शरी सेक्टर में, ऑल्दो वो भी हमारा कंट्रीब्यूट कर रही है, सेकेंडरी से ज़्यादा ही कर रही है, बट एज़ कम्पेयर टू दी पीपल एंगेज इन इट वो उतना ज़्यादा नहीं कर पा रही है. नाउ व्हेन वी कम्स टू पाकिस्तान, 42% पीपल आर वर्किंग एंड कंट्रीब्यूटिंग 25% इन द जीडीपी इन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर. 3.7% पीपल आर वर्किंग इन सेकेंडरी सेक्टर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 21% टू द जी डी पी. एंड मैक्सिमम इज 54.3% पीपल आर वर्किंग इन टर्शरी सेक्टर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 54% इन जी डी पी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ इफ यू सी द ट्रेंड्स इन आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर्स, इफ यू सी द आउटपुट ग्रोथ, तो वी आर कंपेयरिंग है टू ईयर्स 1980 टू 90. अब दो टाइम सीरीज को ले रखा हमने, 80 टू 90 एंड 2011 टू 15. पुराना कैसे था और अब कैसे? व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन था? ओनली 3.1%. बट आगे आते आते कंट्रीब्यूशन कितना होता गया? आउटपुट ग्रोथ का मतलब कितना हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हमारे शिफ्ट हो गए वो टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए. तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का आउटपुट हमारा आता रहा 3.1% जो ग्रोथ होती थी आउटपुट की, अब हो रही है 2.3. इंडस्ट्री में 7.4% की ग्रोथ होती थी आउटपुट में और अब हो रही है 5 की, ये भी कम हो गया. बट व्हेन वी लुक एट दी सर्विसेज सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, पहले 6.9 था और अब 8.4. दैट मींस द आउटपुट ग्रोथ रेट ऑफ द सर्विसेज सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, हैज बीन इंक्रीज्ड इन इंडिया सो फार. एंड व्हेन वी सी द कंपैरिजन विद चाइना एंड पाकिस्तान फ्रॉम इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वी कैन सी दैट चाइना In 1980 to 1990, the output growth rate was 5.9 and it reduces to 4.1 in 2011-15. पाकिस्तान के साथ एग्रीकल्चर में क्या हुआ था, वो 4% से 2.7% पे आ गए थे, उनका भी आउटपुट ग्रोथ रेट कम हो गया था.
व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, बहुत अच्छा ग्रोथ रेट था, आउटपुट 10.8% से बढ़ता था, लेकिन अब कम होके कितना हो गया, 8.1%, इनका भी जो है इंडस्ट्री में कम हुआ, और पाकिस्तान का भी 7.7% से 3.4% पे आके इनका ग्रोथ आउटपुट रुक गया। व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विसेज सेक्टर, बहुत अच्छा पहले कंट्रीब्यूट करता था कि जो भी हमारा आउटपुट ग्रोथ रेट है वो 13.5% था, बट ये भी चाइना का कम हुआ 8.4% में और पाकिस्तान का भी 6.8 से 4.4% में। दैट मीन्स वी कैन सी दैट चाइना और पाकिस्तान का जो आउटपुट ग्रोथ है वो तीनों सेक्टर में कम हुआ है, इंडिया का दो में कम हुआ, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने सर्विसेज में अपना आउटपुट ग्रोथ रेट जो है बाय द टाइम वो इंक्रीज किया फ्रॉम 6.9 टू 8.4। आई होप दिस टेबल इज क्लियर टू यू। इस टेबल को अभी हम लोग थ्योरेटिकली एक बार देख लेते हैं। ट्रेंड्स इन प्राइमरी सेक्टर, यू कैन सी दैट इंडिया के अंदर जो है प्राइमरी सेक्टर में 17% शेयर जाता था विद 42.7% पॉपुलेशन। तो ड्यू टू टोपोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन द एरिया सूटेबल फॉर कल्टिवेशन इज जस्ट 10%, तो इसीलिए कम कंट्रीब्यूशन होता था। ज़्यादातर लोग लेकिन डिपेंडेंट ही एग्रीकल्चर पे थे। टिल 1980 मोर देन 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग as their source of living is agriculture only, and since then the government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicrafts, commerce and transport. And in 2015-17, 18% of its workforce engaged in agriculture. Its contribution to the GDP in China is 9%. तो आप देख सकते हैं चाइना का किस तरह से हमारे यहाँ पे गया है, right? Then it comes, हम देखते हैं इंडिया का और पाकिस्तान का। इंडिया का देखो, इंडिया का हम देख सकते हैं 17% हमारा जो है एंगेज हो रहा है विद 43% पॉपुलेशन के साथ। प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स दैट वर्क्स इन दिस सेक्टर इज मोर इन इंडिया, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, यहाँ भी सेम ही यही है कि कंट्रीब्यूशन जो है 25% जा रहा है और पॉपुलेशन 42% लगी हुई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही थी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी सेक्टर, तो उसमें भी हम कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब चाइना का हम देखें तो चाइना के अंदर हमें दिख रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है 43%, ऑल्दो वी कैन सी दैट कि हमारा जो टर्शरी सेक्टर उसका 48 कर रहा है, बट एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन वर्किंग इन दैट तो ये सबसे ज़्यादा हाइएस्ट कर रहा है। इंडिया का जो शेयर है वो 30% है और पाकिस्तान का जो शेयर है वो सिर्फ 21% है, वी कैन सी दैट। और प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स हमारी सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स लगी हुई है वो चाइना के अंदर ही लगी हुई है और उससे कम इंडिया में, और सबसे कम जो वर्कफोर्स है हमारी सेकेंडरी सेक्टर में लगी हुई वो पाकिस्तान की है। सो चाइना हैज़ बीन शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विसेज, और इंडिया और पाकिस्तान में क्या है टेकिंग प्लेस डायरेक्टली टू दी सर्विसेज, मतलब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे ना आके इंडिया और पाकिस्तान में सीधे सर्विस में बढ़ रहे हैं, लेकिन चाइना के अंदर पहले इंडस्ट्रीज और फिर उसके बाद सर्विसेज के अंदर। देन वी टॉक अबाउट थर्ड सर्विसेज सेक्टर, हम देख सकते हैं तीनों का कंट्रीब्यूशन, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो है सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले है। आप देख सकते हैं सर्विस सेक्टर में इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 53 है और पाकिस्तान का 54, और वर्क पॉपुलेशन भी हमारी इसमें इंक्रीज हुई है, पहले से इंक्रीज हुई है, हाईएस्ट टू द जीडीपी विद कंट्रीब्यूशन ऑफ 53% इन केस ऑफ इंडिया एंड 54% गॉट इन पाकिस्तान। और चाइना का कितना था 48 है, ये 33 गलत है, 48% है चाइना का, राइट। और प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स क्या है, पाकिस्तान की वर्कफोर्स और इंडिया की जो दोनों की वर्कफोर्स है वो कहाँ पे आ रही थी, सर्विस सेक्टर के अंदर आ रही थी ज़्यादा। कंक्लूजन्स क्या है, इन द लास्ट टू डेकेड्स वी कैन सी दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी ये कम हुआ है क्योंकि लोगों ने शिफ्ट कर दिया है कहाँ पे, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना हैज़ मेंटेन अ डबल डिजिट ग्रोथ, हम देख सकते हैं भाई पहले कितना था 10.8 13.8 इतना दे रहा था, वो डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है, और इंडिया और पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो कम हुई है। सर्विस सेक्टर के अंदर इंडिया ने जो बहुत ज़्यादा रेज किया है ग्रोथ इन 1990s, चाइना और पाकिस्तान ने सर्विस सेक्टर के अंदर कम किया। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि सभी का जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ, बट इंडिया ने सर्विस सेक्टर के अंदर बढ़ाया। चाइनाज ग्रोथ इज़ मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इंडिया की किससे है, सर्विस सेक्टर से ग्रोथ हो रही है। आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। इन माई नेक्स्ट वीडियो आल बी एक्सप्लेनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। टिल हियर प्लीज गो थ्रू इट, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर वंस।